जिलों की नगरी उदयपुर में निर्जला एकादशी के अवसर पर घरों में लोगों ने कांगनी के आटे का हलवा बनाया, कांगनी के आटे की पूड़ियाँ बनाई और भोग लगाने के बाद जब सेवन किया तब इनकी तबीयत खराब हुई और करीब 100 से ज़्यादा लोगों को यहाँ महाराणा भोपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और देर रात तक यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल पहुँचे हैं, मरीजों का हालत का जायजा भी लिया है और उनकी कुशल क्षेम भी पूछी है। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है, यहाँ पे कई जनप्रतिनिधि भी आए हैं और उन्होंने भी मोर्चा संभाला है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सभी जो रोगी हैं वो यहाँ पे भर्ती हैं और उनका पूरी तरह से चाक चौबंद इलाज हो रहा है। लाखन पोसवाल डॉक्टर यहाँ पर आए हैं और पूरी तरह से उन्होंने व्यवस्था को देखा है। जिलों की नगरी उदयपुर के कई इलाकों में निर्जला एकादशी पर जिस तरह से कांगनी का आटे का प्रयोग हुआ, उसके बाद जो लोगों में उल्टी, दस्त और जीभ उड़ाने, चक्कर आने की शिकायत हुई, एकाएक लोगों को समझ में नहीं आया कि उनको क्या हो रहा है। लेकिन जब ज़्यादा तबीयत खराब हुई तब वो अस्पताल पहुंचने लगे और अस्पतालों में भीड़ लग गई। जिस तरह से एक एक करके लोग आए और यहाँ पर आप देख रहे हैं वार्ड का नज़ारा कि लोगों के यहाँ पर आने का क्रम शुरू हुआ और एक एक करके लोग यहाँ पर भर्ती होते गए और पूरा वार्ड ही लोगों से भर गया। जिस तरह से अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था की, चाक चौबंद पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं। खुद प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल और एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक आरएल सुमन यहाँ पूरी तरह से मौजूद रहे और देर रात तक वो डटे रहे कि कहीं कोई मरीज के कोई तकलीफ न हो जाए। जिस तरह से आप नज़ारे देख रहे हैं, खुद डॉक्टर पोसवाल यहाँ पर जायजा ले रहे हैं, एक एक मरीज की कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। आप देखिए हमारे साथ ये खास नज़ारे। अच्छा, तो फ्लूड तो बस एक ही दे, एक ही दिया था, बंद कर दो। हाँ ठीक है, अभी आने के बाद तो बेंजी नहीं हुई है उल्टी? एक बार हुई है, एक बार उल्टी। जी तो नहीं घबरा रहा, कंपन टाइप तो नहीं आ रहा? मेरा नाम जसुदा साहू है। हम सारे ने ये कांगड़ी के आटे की पूड़ी और सिंगड़े का आटे का हलवा बनाया, फिर खाया 1:30 बजे के बीच में। उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ, खा के हम रेस्ट के लिए घंटा भर सो गए थे। फिर जैसे ही उठे चाय पीने के लिए तो उठी तो जैसे चक्कर आ रहा, सिर चक्कर आ रहा था और जी भी घबरा रहा था। फिर मैं वापस सो गई, थोड़ी देर बाद वापस उठे तो फिर ऐसे ही हो रहा, फिर बहुत तेज जी घबरा के उल्टी हुई। फिर बस फिर जी घबराता ही रहा, कमजोरी महसूस हो रही है, पूरा शरीर दूध दूध रहा है। कहाँ से लाए कांगनी घाटा? कालीबाड़ी, कालीबाड़ी से लेके आए। कौन सी कंपनी का था? नहीं, खुला ही था आटा कांगनी का तो। कई उल्टिया भी, जे घबरा रहा चक्कर आई रहा ना ने। कई कई खा दो? कांगनी रो हलवो, हाँ, ना पूड़ी, हाँ, ना आलू ली सब्जी। अच्छा अच्छा, बस ये तीन चीज खा दी। अच्छा, खाई खाई ने हुई गया। हुई ना उठा गया, छा बनावा तो चक्कर आई गया, जो कोई बढ़ावे ही नहीं छा। क्या हुआ था ये पूरा मामला? सब्जी आज एकादशी थी, घर का सब्जी पूड़ी नहीं खाई थी तो एकदम उठे ना चक्कर आ रहे ना, जी घबराना उल्टी शुरू हो गई थी। फिर हॉस्पिटल लेकर आए, एकदम बेहोशी जैसे होने लगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या हुआ था?
क्या खाया था आपने? अच्छा क्या क्या हुआ था? कान में की आटे की पूरी खाई थी तो अच्छा है ना, उल्टी हो गई। अच्छा, और किस लिए खाई थी? वो आज व्रत है ना एकादशी। किसका? निर्जला एकादशी का। अच्छा अच्छा, कहाँ से लाए थे कांगनी का आटा? मंडी से। अच्छा, क्या नाम है? जयश्री सोनी। अच्छा, क्या हुआ था आपको? हमने वो कांगनी का आटे की पूड़ियाँ खाई थी तो थोड़ी एक दो घंटे के बाद तो बहुत जी कर रहा है, हाथ पैर धुलने लगा, इतनी वॉमिट आके बैठे, फिर वॉमिट आके बैठे, फिर वॉमिट, इतने परेशान हो गए। कहाँ से लाए थे कांगनी का आटा? कांगनी का आटा तो पापा जी मतलब वो लेके आए थे। कंपनी का था या खुला था? खुला भी था और कंपनी वाला भी था। कौन सी कंपनी वाला था? जेम्स कंपनी का था और एक खुला वाला भी था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलवंती राव है। अच्छा, क्या कहना है आपका? सर कुछ नहीं, वो कांगनी का आटा लाए थे उसी टाइम मैं खाया और दिन से जी घबरा रहा था, चक्कर आ रहे थे और बच्चे को भी बहुत सारी उल्टी हुई थी और मेरे हस्बैंड भी उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी, हम तीनों अभी एडमिट है। अच्छा, और कौन सी कंपनी का लाए थे? कंपनी का सर नहीं पड़ा, डेली पैकिंग आती है वो पैकिंग वाला लाए थे। का और क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ कि वो रोटी खाई उसकी। किसकी? माल कांगनी के आटे की। हाँ, खाने के दो ढाई घंटे बाद में कानों में सीटियाँ बजने लग गई। मैंने कहा ये बदलाव कैसे हुआ, फिर उसके थोड़ी देर बाद में चक्कर आने लग गए तो मैं सो गया था दुकान पे अपनी। घंटे भर बाद में उठा था तो मेरे को उल्टी हुई बहुत ढेर सारी। उसके हिसाब वापस मेरे को चक्कर बहुत ज़्यादा आने लग गए तो वापस हो गया। वापस थोड़ी देर बाद उठा, दो बार उल्टी हुई, फिर मैंने बच्चे को फ़ोन किया दुकान से, भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे लेके आओ घर पर। कौन सी कंपनी का आटा था? उसके ऊपर कमल ब्रांड लिखी हुई थी और मैन्युफैक्चरर का एरिया लिखा हुआ था, मेरे को इतना ही याद है। मैंने पढ़ा था ये अपने लखरा चौक के आसपास कोई मैन्युफैक्चरर है कमल ब्रांड से। क्या नाम है और क्या हुआ था आपको? पुष्कर सोनी मेरा नाम है। स्टार्टिंग में यहाँ भर्ती हुए लोग बाग इनसे मिलने भी आए, हमारे मोहल्ले के लेके आए थे, करीब बरिया हॉस्पिटल रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ से वापस घर पे जाते वक्त मेरे को दिखने में थोड़ा यूँ काला पीला टाइप हुआ, घर गया उसके बाद थोड़ा यूँ पेड़ लड़खड़ाने लग गए वजह से, और बोल रहा हूँ तो बोलने में भी थोड़ी सी आवाज़ लड़खड़ा रही, चक्कर वक्कर आ रहे हैं। क्या खाया था आपने? बस घर में कुछ कांगनी का आटा जो होता है बाजार से लाया हुआ पैकिंग वाला वो खाया। क्या कंपनी थी वो? कंपनी तो श्री कंपनी, श्री कंपनी है, लखरा चौक का नाम लिखा हुआ वहाँ की बनी हुई चाहिए, लखरा चौक की पैकिंग की हुई है। मेरे ख्याल से खाने की जो अपने जो पैकिंग आती है इसमें गवर्नमेंट वाले जो डालते, जैसे पहले गेहूँ के आइटम में सब में आता था, कुछ गवर्नमेंट ने लिखा था कि 0.4 मिलीग्राम वो दवा डाल सकते हो, इसमें ख़राब नहीं होता, लेकिन कंपनी वाले उसको 400 mg डाल रहे हैं, इस वजह से हो सकता है कंपनी वालों को वो अंदर कुछ ख़राब नहीं हुए वो दवाई छोड़ ज़्यादा छूट गई, इस वजह से सारा हो रहा है पैकिंगों में छोड़ के करना है। नाम कैलाश सोनी। अच्छा, क्या 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 हुआ था? ये खाने के दो घंटे बाद में एकदम जी घबराना, चक्कर आना और उल्टी होने जैसा और शरीर कंपन कर। क्या खाया था? कांगनी का आटा और आलू टमाटर की सब्जी और रस। अच्छा अच्छा, किस लिए आज व्रत रखा? हाँ, आज व्रत है एकादशी का, ग्यारस का। अच्छा अच्छा, खाने के बाद में क्या लगा आपको? कुछ नहीं, दो घंटे बाद में ऊपर छत पे पतंग उड़ा रहे थे तो वहाँ पे जी घबराना, चक्कर आना चालू हो गया, नीचे आए तब एकदम शरीर कंपन करने लग गया
और फिर उल्टी होना चालू। घर में सभी लोगों के ऐसे ही हुआ? हाँ, मदर को, फादर को, मेरे को, वाइफ को। कुछ कम जी बताएं, क्या मामला हुआ था और किस तरह से आपने ये पूरा मोर्चा संभाला है? तो करीब 100 लोग जो है फूड पॉइजनिंग से भर्ती हुए हैं। इनमें सभी में लक्षण ये है कि उल्टियाँ हुई हैं और चक्कर आ रहे हैं और कईयों के हाथ पैरों में कंपन भी हो रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो आटा जिसकी पुड़िया बनाई है, इन सभी का व्रत था और कांगड़ी के आटे की इन्होंने पूड़ी बना के खाई है। 6 बजे के आसपास इन्होंने व्रत खोला है और उसके बाद 2 घंटे बाद में लगभग इनके सिम्टम आना शुरू हुए हैं। तो गैस्ट्राइटिस के सिम्टम में फूड पॉइजनिंग हुई है। अभी इन सबके इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं कि ये कंपन जो हो रहा है वो थोड़ी एक अलग बात है, तो इसका मतलब आटे में कोई ऐसी चीज़ टॉक्सिन जो था, नर्व टॉक्सिन भी मिला हुआ हो सकता है। तो उसकी हम जाँच कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सबके भिजवा रहे हैं और सभी को जिसको पानी की कमी आ गई वॉमिटिंग से उनको फ्लूड दे रहे हैं और एसिडिटी की दवा दे रहे हैं, वॉमिटिंग की दवा दे रहे हैं और जिनको कंपन है उनको कंपन की दवा दे रहे हैं। लगभग सभी से हम मिल लिए हैं और पूरी व्यवस्था कर दी है। सीनियर डॉक्टर्स को भी बुला लिया है, नर्सिंग स्टाफ को भी दूसरे वार्ड से हम मोबिलाइज कर दिया है और अभी 1-2 लोगों की थोड़ी हालत, थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बाकी लगभग सभी खतरे से बाहर हैं। सभी पेशेंट अभी करीब करीब सैंपल हो गए हैं, आए थे तब उनको उल्टी आना, जी मतलना, चक्कर आना, ये सब हो रहे थे। हॉस्पिटल विभाग की पूरी टीम यहाँ लग चुकी है, सभी वार्ड, एक वार्ड भी खाली करवाया है अभी, 101 सारे पेशेंट अभी शिफ्ट कर दिए हैं और यहाँ 20-25 अधिकांश तो, उदयपुर में कौन कौन से इलाके के ये? अधिकांश ये घंटाघर क्षेत्र है, नेताजी की खिड़की है, मंडी है, सेक्टर 14 से भी कुछ पेशेंट आए हैं, अपने नानी के लिए साइफन चोराया है, वहाँ से करीब करीब ये सभी पेशेंट हैं। कौन से कंपनी का आटा कोई इंटीफाइड हुआ? अभी तक कोई पता नहीं पड़ा है। 3 जगह हैं, 3 दुकान सभी बता रहे हैं वहाँ से खरीदा है और हमारे उधर भी एक दुकान है उसका नाम भी आया है, सब ने वहीं से खरीदा हमारे घंटाघर क्षेत्र में। अच्छा, आप बताएं किस तरह से लोगों को यहाँ पर लाए आप? वैसे तो 5 बजे मेरे को इसकी जानकारी मिल गई थी, मेरी फैमिली में 8 जने थे, तो मैं लेके इनको इधर आया था। मैं आके देखा तो उससे पहले 20-25 जने यहाँ नीचे मिले थे पेशेंट्स, तो फिर मालूम चला कि ये तो कोई फूड पॉइजन हुआ है, तो उससे कंटिन्यू धीरे धीरे करते हुए 40-50 जने मेरे सामने आ गए। तो यहाँ पे अस्पताल में किस तरह से व्यवस्था मिली आपको? यार काफ़ी कॉपरेट किया था डॉक्टर साहब ने, नीचे भी ICU में भी और इमरजेंसी में भी कॉपरेट किया, उन्होंने तुरंत हमें ऊपर रेफर किया, फिर हम लोग इधर आए तो कंटिन्यू इलाज वगैरह चालू हो गया और अभी जाके स्थिति थोड़ी नॉर्मल, मगर कंटिन्यू अभी पेशेंट आ रहे हैं उदयपुर शहर के और कम से कम 4-5 जगह से, ये जो क्या है उदयपुर शहर में जहाँ से ज़्यादा है, मेन तो घंटाघर है और मंडी है और जगदीश चौक एरिया है, तो वो वहाँ से पेशेंट्स ज़्यादा है। आप बताइए गोविंद जी किस तरह से यहाँ पे लाएँ? सर ऐसा है कि लगभग 5-6 घंटे से हम लोग यहीं हैं हॉस्पिटल के अंदर, लगातार देख रहे हैं कि पेशेंट आ रहे हैं और उनको वही स्थिति आ रही है, कंपन हो रही है, जीव घबरा रहा, उल्टी हो रही है और लाइनें लग रही है यहाँ पेशेंट। मोस्टली सोनी समाज, साहू समाज और कुछ राजपूत और 1-2 जैन फैमिली भी है और करीबन 90 से 100। क्या अपील कर रहे हैं लोगों से आप? आज जो निर्जला एकादशी पर जो कांगड़ी घाटे का सेवन सबने किया है, पुड़िया बनाई है, पोषण अभाव बनाया है, मेरा सेक्रेटरी से वार्ड पार्षद हूँ, वहाँ से घंटाघर, झड़ो की ओल, धानी गली, दूरी क्षेत्र है, वहाँ से फूड पॉइजनिंग शिकायत पर जो झुनर भी सेवन किया है, उनको हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया है, सूचना बोली मैं आया हूँ, उनका बेहतर जो भी इलाज चल रहा है अभी, उसकी हालत तो बहुत ही गंभीर है, पर डॉक्टर साहब ने बताया बाकी सब बेहतर, जो भी उनको चिकित्सा सुविधा दी जाती है। जी बताएं क्या कहना है आपका, किस तरह से लक्षण दिख रहे हैं, किस तरह के रोगियों में और क्या संभावना जताई जा रही है?
देखिए इनको अभी जो मरीज आ रहे हैं ज़्यादातर मरीजों को पेट में दर्द उल्टी की संभावना से आ रहे हैं। एक दो मरीजों को अभी कुछ दस्त की भी शिकायत ऐसे, और सभी की शिकायत ये है कि इन्होंने कोई कांगड़ी का आटा खाने के बाद में इस तरह की उनको बीमारी तकलीफ हुई है। तो इनको देखते हुए कांगड़ी का आटा सभी ने एक सोर्स बता रहे हैं कि मंडी के नाल से लेके आए, तो कई जो उल्टी की जो पेट दर्द की बीमारी है उससे देख करके ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कहीं खाने में जो हमारे जो कई बार कुछ आ जाता है बीज आ जाते हैं जो रतन जोत के टाइप के इस तरह की जो होते हैं एक्यूट फूड पॉइजनिंग वाले, इस तरह के लक्षण लग रहे हैं। तो अभी सारे के सारे मरीज स्टेबल हैं, सबको हमने शटल कर दिया, वार्ड नए खुलवा दिए, रेजिडेंट डॉक्टर लगा दिए, स्टाफ की ड्यूटी लगा दिए, और किसी तरह कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, हम पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। सभी जागरूक मोहल्लावासी हैं और समाज के अध्यक्ष भी हैं गोविंद जी, लोकेश जी, और ये सभी हॉस्पिटल में जब भी कोई ऐसा घटनाक्रम होता है ये पूरी तत्परता के साथ में लग जाते हैं। पार्षद गोपाल जी जोशी, चंद्रेश जी सोनी, और पूरी तरह से पूरा मोहल्ले वाले ये इतने पाउच लाए हैं और पानी की बोतलें, और पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में लगे हुए हैं। क्या कहना है, क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? भाई डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये पानी की बोतल के अंदर ये ORS की एक एक पुड़िया जो है इसको डाल के सभी पेशेंट को दो। तो हम लोग अभी ये बाहर से बोतलें खरीद के लाए हैं पानी की, और ये अभी पेशेंट को दे रहे हैं, सब अपने ही हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ऑटो होगा? अच्छा, ये आप देख रहे हैं ये कांगड़ी का आटा है, और इस तरह से लोग कांगड़ी का आटा लाए थे खुले रूप में, और कहीं पैकेट के रूप में भी लाए थे, ये बता रहे हैं पार्षद गोपाल जी। ये लोग आटा ये, हाँ ये कांगड़ी का आटा, ये कांगड़ी आटा ये, ये अस्पताल महाराणा भोपाल अस्पताल के अधीक्षक जी डॉक्टर RL सुमन जी ये देख रहे हैं और पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि इसकी पूरी टेस्टिंग की जाएगी। में जब भी ऐसा कोई घटनाक्रम होता है तो अस्पताल की टीम तो मुस्तैद रहती है, लेकिन पुलिस की टीम भी मुस्तैद रहती है, और ये पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी सिपाही वगैरह सब हैं, पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में ये लगे हुए हैं। जैसे ही कोई मरीज यहाँ पे आता है पूरी तरह से इनकी हेल्प करने में जुट जाते हैं, और उनको सही स्थान पे सही वार्ड में पहुँचाने की पूरी तरह से जिम्मेदारी निभाते हैं।